Hello. 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 मैं से बात कर सकता हूँ? वो पापा तो वहाँ गए हैं दादू के साथ हॉस्पिटल। दादू के साथ हॉस्पिटल गए हैं। आप बेटी बोल रही हैं उनकी? जी मैं बेटी बोल रही हूँ उनकी। अरे वाह, मुझे किसी ने मेल लिखा था, आपके पापा का नंबर भी दिया था कि वो बहुत घबरा रहे हैं क्या आजकल? जी बहुत घबरा रहे हैं, मैं तो उन्हें समझाती रहती हूँ घबराइए मत। अच्छा आप समझा रही हैं उनको? अरे वाह, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिशा है। प्रिशा क्या आप हाउ ओल्ड आर यू? आप कितने साल की हैं? मैं 9 years की हूँ। 9 years की? तो प्रिशा आपको पापा घबरा रहे हैं लेकिन आप तो नहीं घबरा रही ना? नहीं मैं नहीं घबरा रही, बस अंकल एक प्रॉब्लम हो रही है। क्या प्रॉब्लम हो रही है? हम बाहर नहीं जा पा रहे खेलने। अरे यार बोर हो गई हैं आप? बहुत बोर हो गई। लेकिन घबरा तो नहीं रही ना आप? प्रिशा घबरा तो नहीं रही ना? नहीं मैं नहीं। यस, और घबराना आपको है भी नहीं, बल्कि पापा जब आए ना तो उनको एक काम करिए, प्रिशा आप 9 years की है ना, तो पापा से कहिएगा कि अभी तो आपको 9 years से पापा की एज पे पहुंचना है और पापा को दादू की एज पे पहुंचना है। यही तो मैं अंकल कहती हूँ कि पापा इसकी टेंशन क्यों लेते हैं। अच्छा वैसे प्रिशा एक बात बताइए, आपको क्या लगता है ये जो चल रहा है जिसकी वजह से पापा घबरा रहे हैं ये खत्म हो जाएगा ना? होना ही है, तो खत्म होना ही है। आपको पता है प्रिशा ये उसका जब खत्म होता है जब आदमी डरता नहीं है, जैसे आपका तो आज ही खत्म हो गया ना। आप तो नहीं डरती ना? नहीं। घबराती तो नहीं है ना? नहीं। तो पापा क्यों घबरा रहे हैं? पापा सबके लिए कर भी रहे हैं ना। लेकिन जो सबके लिए कर रहा है वो तो बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए, तो हम दोनों मिलके हिम्मत बढ़ा दें उनकी। हाँ प्रिशा आपको मालूम है आप बहुत प्यारी हैं, आप बहुत प्यारी हैं। पढ़ती हैं आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? मैं 4th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। दोबारा जाएंगी स्कूल? हाँ। बोर हो गई ना? लेकिन घबरा तो नहीं रही ना? नहीं। पापा को भी कहिए कि घबराना नहीं है। आपको पता है मैंने बात तो आपके पापा से करनी थी लेकिन मुझे तो आपसे बात करके प्रिशा बहुत मजा आ रहा है। अच्छा लग रहा है आपको? आप कौन बोल रहे हैं वैसे? नवेद। पता नहीं आप मुझे जानती हैं या नहीं जानती, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। प्रिशा ऐसी हिम्मत रखनी है और पापा को रोज समझाना है। रोज क्या करेंगे आप पापा को जाके बताइए? एक बार जो मैंने आपसे कहा था वो बताइए, क्या बोलेंगे? कि मुझे आपकी एज के होना है और आपको दादू की एज। यस। फिर भी बहुत घबराता है, रात में मैंने भी सुना दिया था उन्हें वो। क्या? We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe. हम होंगे कामयाब एक दिन। प्रिशा आपको मालूम है आप बहुत प्यारी हैं और जिस दुनिया में इतने प्यारे लोग होते हैं ना, कुछ नहीं होता उस दुनिया का, सब ठीक हो जाता है। एंड आई लव यू, गॉड ब्लेस यू। एक बार फिर से मेरे साथ गाएंगे आप ये जो पापा को सुनाया था आपने? 1 2 3 स्टार्ट। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। प्रिशा बाय, यू टेक केयर। और मैं पापा को समझाऊंगा, आपके पापा को फोन करूंगा। बाय प्रिशा। बाय। वैसे मैंने बात तो करनी चाहिए थी इनके पापा से, लेकिन इस बच्चे की बात में इतनी जान और इतनी मोहब्बत लगी है कि मेरा दिल करा कि मैं आप सबको बताऊं और आप सबको बताइए। थैंक यू। हमेशा लोगों का हम होंगे हाय हाय नवीद, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, और आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। बहन कैसी है? उसके लिए मेल लिखा था आपने, अभी ठीक है? नावेद बिल्कुल लो फील कर रही है और थोड़ी डिप्रेस्ड भी लग रही है मुझे। पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तब से ऐसी है। अभी क्या जाग रही है या अभी जागी हुई है? हाँ अभी लेटी हुई है मैं। आप मेरी बात कराइए, एक सेकंड मेरी बात बताइए, बात कराइए, लेकिन आप उसको बोलिएगा मत कि मैं हूँ, ठीक है? आप प्लीज़ ये अपने तक रखिएगा, ये बोलिएगा कि डॉक्टर हैं और डॉक्टर बात करना चाह रहे हैं, ठीक है? जब मैं कहूँगा उनके पास लेके जाइएगा प्लीज़, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं। 1 सेकेंड या लेके जाइए लेके जाइए लेके जाइए। हेलो, कैसी हैं आप? आई एम डॉक्टर पांडे। अब अभी कैसी तबीयत है, कैसा लग रहा है? डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। क्यों? कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा चेकअप कर लें एक, हाँ डोंट वरी, क्योंकि थोड़ा कोविड की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग है ना, थोड़ा ख्याल रख रहे हैं इस चीज़ का, ठीक है? अभी सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। सांस लीजिए लंबी। गुड, लंबी सांस लीजिए। यहां तो ठीक लग रहा है मुझे, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाइए, थोड़ा सा टेढ़ा, हाँ अब लीजिए। लंबा लीजिए। गुड, घबराने की कोई बात नहीं है। घबरा क्यों रहे हो आप? अच्छा नहीं लग रहा कुछ नहीं। अच्छा, कोई और दिक्कत तो नहीं हो रही ना आपको? डॉक्टर बस अच्छा नहीं लग रहा कुछ। हाँ हाँ, लो फील कर रही हूं। वेट करना होगा थोड़ा, वेट करना होगा। लेकिन डॉक्टर कब तक वेट करना पड़ेगा? नहीं मैं कह रहा हूँ वेट करना होगा, आपका वजन चाहिए मेरे को, वेट करना पड़ेगा। वेट, क्या वेट करना होगा आपका? मैं तो वो तो बाद में ही होगा, ठीक है? करना पड़ेगा। डॉक्टर 65 है। नहीं मैं अब ये वाला नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ वेट करना पड़ेगा। मेरे ये दूसरे पेशेंट का फोन है, आप जरा 1 सेकंड होल्ड करिए। हेलो डॉक्टर पांडे? हाँ जी, हाँ हम आए थे ना आपके पास दिखाने के लिए। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। तो अभी हमारा कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रहा है बिल्कुल। अच्छा तो रहा है अच्छा, मैंने आपको दवाई दी थी, आपने ले ली थी? आपने दी थी, हमने ले ली थी। अरे नहीं, मैं पूछ रहा हूँ दवाई खाली थी? खाली तो नहीं थी, भरी हुई थी। अरे नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ दवाई पीली थी? पीली तो नहीं थी, लाल थी। अरे ये नहीं पूछ रहे हैं हम, पीली थी लाल थी, मैं पूछ रहा हूँ आप दवाई को पी लिया था ना? पी लिया तो हमको है ना। अरे फोन रखिए यार, आप समझ में नहीं आ रहा। पी लिया आपको था, हम पूछ रहे हैं दवाई पी लिया। और लोग भी हैं यार, उनसे बात करनी है, इलाज करना, पता नहीं क्या ये, खैर वो अजीब आदमी है। पी लिया था हम, मैं पूछ रहा हूँ दवाई पी लिया, मुझे नहीं तो पी लिया, मुझे था। आप फिक्र मत करिए, आप बिल्कुल फिक्र मत। ये यार फिर मेरे पेशेंट का है, आई एम सॉरी, मेरे पेशेंट का फोन आ रहा है। हेलो, फिजिशियन डॉक्टर पांडे बोल रहे हैं? हाँ जी, फिजिशियन डॉक्टर पांडे बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब आपसे बहुत जरूरी काम था, अभी बात कर सकते हैं क्या? अभी तो मैं ऑनलाइन पेशेंट देख रहा हूँ, लेकिन हाँ अगर बहुत जरूरी है तो बोलिए, क्या काम है? डॉक्टर साहब आपके पास किसी अच्छे फिजिशियन का नंबर होगा? बहुत ही अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। अच्छे फिजिशियन का नंबर कहीं और से लो ना, यहाँ तपाने के लिए बैठा है यार, बेकार की बातें कर रहा है। तो हाँ जी, मैं आपका वो चेकअप कर रहा था, कोई बात नहीं, होता रहता है। तो हेलो, अरे आप रोइए मत। हेलो, आप रोइए मत, मैं नवेद बोल रहा हूँ, हेलो हेलो, आप प्लीज परेशान मत होइए, आप रोके नहीं है। अरे मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा है। जो भी हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। मैं बता नहीं सकती, मैं इतने हफ्तों बाद हंसी हूँ। और मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कितनी खुशी हो रही है आपसे बात करके। बस कुछ दिन और फिर सब नॉर्मल है ना। घबरा तो नहीं रही है अब तो घबराहट नहीं हो रही आपको। हाँ? अगर आप इतनी सी भी घबराई ना तो मैं एक्चुअली डॉक्टर पांडे से मिलवा दूंगा आपको और फिर वो इलाज करेंगे आप। हिम्मत रखनी है बहुत ज़्यादा। और जो बाहर है ना आपके कमरे के बाहर वो सब इंतजार कर रहे हैं कि आप ठीक होंगी और जल्दी से फिर सबके साथ मिलकर बात करेंगे। राइट, गेट वेल सून, गेट वेल सून। डोंट क्राई, रोना नहीं है वरना रोज डॉक्टर पांडे फोन किया करेंगे, बता रहा हूँ। अभी तो इंजेक्शन नहीं लगाया डॉक्टर पांडे ने। प्लीज ख्याल रखिए अपना और ठीक हो जाएंगे आप बहुत जल्दी। बाय बाय। हेलो हेलो, ये ट्रैवल एजेंसी से बोल रहे हैं आप? यस सर। सर थोड़ा सा आपसे पैकेज के बारे में पूछना था। हाँ सर, मैं बता दूँ ना अपने पैकेज के बारे में आपको। सर लास्ट टाइम भी आपसे बात करी थी, उस टाइम तो हम नैनीताल नहीं गए थे, 4-5 लोगों की बात हुई थी। लास्ट टाइम नैनीताल नहीं गए थे उस टाइम पे। वैसे ऐसे कहाँ याद रहेगा यार। नहीं मैं वो नहीं, उससे कुछ लेना देना नहीं है, उससे कुछ लेना देना नहीं। हाँ, और सर सब बढ़िया है वैसे घर पे? हाँ बहुत बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं? बस सर काट रहे हैं, थोड़ा सोचा घूमने फिरने का। अभी तो ये है कि घर पे सब कुशल मंगल है, बस ये बीमारी खत्म हो जाए जल्दी। सारी बीमारी तो ले रखी है यार, ये मतलब पूरे धंधे की बात लगी है यार। मैं नहीं समझ सकता हूँ, समझ सकता हूँ सर। तो मैं थोड़ा पैकेज के बारे में बता देते। लास्ट टाइम जैसे हम बताया ना, लास्ट टाइम नैनीताल कर नहीं गए थे हम, 4 लोगों का जाने का हो रहा था, नहीं गए हम नैनीताल। भाई साहब इस बार मनाली नहीं जा रहे हैं, तो उसके बारे में पूछना था मुझे। नहीं इस टाइम ना हम, 1 सेकंड रुकिए काउंट करके बताता हूँ। मैं, वाइफ, 2 बच्चे, मम्मी पापा, बहनें, 7 लोग नहीं जा रहे हैं सर। 7 लोग मनाली नहीं जा रहे हैं। हाँ सर नहीं जा रहे हैं, 7 लोग नहीं जा रहे हैं। तो मुझे यही पूछना था कि 7 लोग में क्या आपके यहाँ प्रोविजन है सर? कहाँ नहीं जाना आपको ये बताइए। सर नैनीताल, नैनीताल तो पहले सर हमारा प्रोग्राम था ये आपका जैसलमेर नहीं जाने का, तो रात में पापा कहने लगे यार जैसलमेर नहीं जाने में वो मज़ा नहीं है, मनाली नहीं जाते। तो सर इसमें जैसे 7 लोग नहीं जा रहे हैं तो कितने 7 कमरे नहीं चाहिए होंगे ना? मैं पहले आपको बता दूं, पिछली बार हम नहीं गए थे ना, जिस ट्रैवल एजेंट से नहीं गए थे तो उसको क्लियर नहीं हुआ था। तो सर एक तो आप हमें, क्योंकि नहीं जा रहे हैं तो 7 कमरे नहीं चाहिए होंगे, तो हमें ब्रेकफास्ट नहीं चाहिए एक तो, और लंच और डिनर तो नहीं करना है। अच्छा ये बताओ आप लोग कब नहीं जा रहे हो? सर हम मंडे सुबह को नहीं निकलने का सोच रहे हैं, तो मंडे सुबह नहीं निकल के आप लगा लो सैटरडे रात वापस नहीं आ रहे हैं। और सर इसमें क्या साइट सीन का भी होता है ना आपका? होता है, तो वही मैं आपको बता देता हूँ सर। इसमें देखिए ये है कि आपके थ्रू अगर पैकेज नहीं लेते हैं तो सर इसमें हाई स्पीड नहीं देखनी है हमें। और सर स्नोफॉल हो रही होगी क्या इस टाइम? नहीं भाई अभी नहीं हो रही है यार। अब बात तो बहुत बढ़िया, क्योंकि सर स्नोफॉल तो जरूर नहीं देखनी है हमें। स्नोफॉल ना देखने का बहुत शौक है, हमारे तो बच्चे कहते हैं पापा स्नोफॉल नहीं देखेंगे, पापा स्नोफॉल नहीं देखेंगे। मैंने कहा कुछ दिन ठहर जाओ फिर नहीं देखेंगे। सर क्योंकि 7 लोग नहीं जा रहे हैं तो 7 लोग ना जाने ना आने का मेरे ख्याल से 7 सीटर नहीं चाहिए होगी। भाई 11 सीटर भी नहीं चाहिए होगी। नहीं 11 सीटर नहीं चाहिए होगी, ज्यादा हो जाएगी सर। 7 ही नहीं चाहिए होगी क्योंकि 7 नहीं जा रहे हैं ना, 11 नहीं जा रहे। 1 सेकंड रुको, आप भी नहीं जा रहे हो सर? आपको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि मेरी मासी और मेरी बुआ भी कह रहे हैं वो भी नहीं जा रहे हैं। अच्छा सर इसमें जैसे जहां नहीं ठहर रहे हैं हम आपके थ्रू, तो उसमें क्या क्या नहीं मिल रहा है खाने को? भाई जो तुम नहीं जाओगे ना वो नहीं मिलेगा। सर मैं बताऊं, माइंड मत करना, पहले शुरू में कहते हो फिर हम कहते हैं नहीं चाहिए वो दे देते हैं, फिर हमारा होता मूड खराब, ये तो नहीं चाहिए था वो मिल गया। सर ठंड तो बहुत होगी ना वहां पे अभी? ठंड तो सर जो आप कमरा में नहीं दे रहे हो ना उसमें गीजर नहीं चाहिए। हेलो सर। हाँ सर। अच्छा सर एक चीज और क्लियर कर दो, क्योंकि है तो थोड़ा रिस्की, रात सब डर भी रहे थे, लेकिन बंजी जंपिंग भी नहीं करना हमें। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं भाई कुछ नहीं, प्रिकॉशंस लेके नहीं करेंगे। हाँ, जो चाहोगे वैसा होगा। हाँ प्रिकॉशंस लेके नहीं करेंगे ना, क्योंकि सर लास्ट टाइम नैनीताल नहीं गए तो वो मजा नहीं आया इतना। मैं चाह रहा हूँ इस बार मनाली ना जाके ना मजा नहीं आ जाए सर। सर वैसे ही पूछ रहा हूँ, अगर सैटरडे सुबह 7 बजे नहीं निकलते हम तो यहाँ से मनाली तक कितने घंटे नहीं लगेंगे? भाई कम से कम 7.5 घंटे नहीं लगेंगे। सर ये तो बहुत नहीं लग रहे हैं, इसका मतलब और सवेरे नहीं निकलना पड़ेगा। है ना सर? सर आ रहा है ना मजा बिना घूमे, आप सबका यही हाल है सर, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। भाई नहीं निकलेंगे, नहीं कहीं नहीं। हेलो हेलो जी, मैं संदीप बोल रहा हूँ संगीत अकादमी से। अच्छा। मेरे को पता चला था आप एज अ बिगिनर कुछ सिंगिंग ट्राई कर रहे हैं और आप कहीं देख रहे थे ट्यूशन वगैरह? जी सर, क्लासिकल मैं बच्चों को सिखा सकती हूँ और मैंने खुद 15 साल से ऊपर की ट्रेनिंग ली हुई है अपने गुरुजी से और अपना मास्टर्स भी किया हुआ है और बीएड भी कंप्लीट कर लिया है, तो मैं चाह रही थी कि अब मैं प्रोफेशनली सिखाऊं। जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप एक बार मेरे को पता नहीं अलंकार ही आप सुना दो, क्योंकि बेसिक है काफ़ी, क्योंकि मुझे भी बॉस को बताना होता है ना, तो मैं फ़ोन पे ही सुन लूँगा थोड़ा सा अलंकार किसी भी। हाँ जी हाँ जी। मैं क्षमा चाहूँगा, आप एक बार सांस मत तोड़ो, बीच में आप तोड़ो मत, आप दोबारा खींचिए, दोबारा सुनाइए आप। आपने फिर ब्रेक लिया ना, आप इसको लंबा खींचिए ना अब। सर ऐसे नहीं होता ना, सांस लेनी पड़ती है बीच में। अच्छा अच्छा, बीच में आपने सांस ली थी, बीच में सांस ली थी। हाँ जी। अच्छा अच्छा, नहीं बहुत अच्छी बात है। और ये देखिए ये कितनी अच्छी बात है कि बिना ऑक्सीजन सिलेंडर, बिना ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, बिना वेंटिलेटर के आपने सांस ली थी, कितने आराम से ले ली गई थी। मैं आपसे, पता नहीं आपको ये अजीब सा लग रहा होगा लेकिन आप प्लीज़ अभी फ़ोन मत काटिएगा, क्योंकि आपसे अच्छा एग्जाम्पल मुझे कहीं लगा नहीं। मुझे पता था कि आप सिंगिंग में इंटरेस्टेड हैं और सिखाना चाहती हैं। मैं आरजे नवेद बोल रहा हूँ और मैंने आपको फ़ोन क्यों किया, मैंने आपको फ़ोन यूँ किया क्योंकि आपके ज़रिए मैं एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ लोगों को कि सांस जब रुक जाती है ना तो बहुत अजीब लगता है, और फिर दुनिया कुछ भी कहते रहे सांस लेने का दिल करता है क्योंकि ज़िंदा रहना है। आपको फ़ोन करने की वजह यह थी इन सब से कहना और अपने आप को भी समझाना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे मैं कहूँ कि सांस लो तो वो बिना ऑक्सीजन सिलेंडर, बिना वेंटिलेटर के नहीं ले पाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिलेंडर भी नहीं ले सकते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटल भी नहीं जा सकते हैं और दम तोड़ रहे हैं। प्लीज़ हेल्प करिए उनकी फाइनेंशियली। और ये सब भूल के कि कौन से मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं आप और कौन से मज़हब के इंसान को सांसें देनी है, उसकी हेल्प करनी है। सिर्फ इंसान देखिए जो परेशान है। प्लीज़ देखिए, कुछ लोग ये भी कहते हैं, नीचे कमेंट करते हैं कि नवेद बोलने से क्या होता है। मुझे मालूम है बोलने से होता है, मैं अपने लेवल पे कर रहा हूँ जितना हो सकता है बोलने के अलावा। आप अपने लेवल पे करिए जितना हो सकता है सुनने के अलावा, लेकिन ऐसे ही शुरुआत होगी। हालांकि ये बहुत बचकाना एग्जाम्पल है, लेकिन मैं चाहूँगा कि दिन में एक बार ना करूं वो बंद कर दीजिएगा। 25 सेकंड के बाद घबरा जाएंगे आप, और जब सांस लें ऐसे करके तो शुक्र करिएगा कि सिलेंडर और ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं है। मैंने किसी का कमेंट भी पढ़ा कि गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी अपने तरीके से निभा रही है, हमें अपनी जिम्मेदारी अपने तरीके से निभानी है। मैं इस वक्त क्लियरली आपसे ये कह रहा हूँ कि प्लीज़ फाइनेंशियली हेल्प करिए उन लोगों की जो लोग इलाज नहीं करा सकते, जिनको कोविड है और जो टेस्ट के पैसे भी नहीं दे पा रहे हैं, जिनकी सांसें बंद हो सकती हैं। जब आप रात को सो रहे हो ना और पूरा परिवार सो रहा हो और सुबह उठे और सांसें चलती भी मिलें आपको, तो ये सोचिएगा कि एक इंसान की पूरी रात ऐसी गुजर गई, एक एक सांस मुश्किल से ली उसने। अगर ये आपको एहसास करना हो ना अपनी सांसों का, तो किसी भी वक्त और अपने नज़दीकी किसी भी हॉस्पिटल में जाके देखिएगा कि वहाँ क्या हालात हैं और वहाँ जो मरीज़ हैं वो सांसें कितनी मुश्किल से ले पा रहे हैं। उस वक्त आपको एहसास होगा कि कितनी आसानी से ले रहे थे आप। और जब एहसास हो जाए ना तो कोशिश करिएगा कि उन लोगों की फाइनेंशियली हेल्प कर दें जो लोग वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाए। एंड आई एम सॉरी, मैंने आपको भी बहुत देर तक होल्ड पे रखा है। नहीं नावेद, आपने ये बता के ये मुझे फ़ोन करके मुझे एहसास हुआ कि सांस कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम लोग घर में बैठ के इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ले पा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा लकी हैं और जो लोग अभी तड़प रहे हैं सांस लेने के लिए उनको हेल्प करना ज़रूरी है बहुत इस टाइम पे। और किसी भी तरह से हम सब लोग अगर हेल्प कर पाए फाइनेंशियली या कोई भी उनका तक सोर्सेज पहुंचा पाए सांस लेने के लिए, वो बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच, आपने थैंक यू सो मच, आपकी वजह से लोग समझ गए। थैंक यू सो मच, आप ख्याल रखिए, प्लीज अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब देखिए, ये मुझे मालूम है कि जितने लोग देख रहे हैं जरूरी नहीं है कि आप सब ही फाइनेंशियली हेल्प करें। हो सकता है किसी का बजट अलाउ ना कर रहा हो, लेकिन कम से कम ये तो कर सकते हैं आप कि इस चीज़ को आगे फॉरवर्ड करें, इस चीज़ को शेयर करें ताकि जो मदद कर सकता है उस तक ही पहुँच जाए। क्योंकि किसी को सांस देने का सवाल है और किसी को ज़िंदगी दे सकते हैं आप। ख्याल रखिएगा आप, बहुत जल्द ठीक हो जाएगा सब अगर हम सब साथ रहे। बाय।